न्यू स्टोरी एंड द नेम ऑफ दैट स्टोरी वॉज माई अर्ली होम एंड इट वॉज अट्टोरी अबाउट द मेमोरीज ऑफ चाइल्ड हुड ऑफ अ हॉर्स एक हॉर्स अपनी बचपन की यादें आपके साथ शेयर कर रहा है और आपको बता रहा है कि जहाँ वो पैदा हुआ था वो एरिया कैसा था वहाँ मेरे अलावा कौन कौन रहता था और कैसा माहौल था वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर रहा है ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देयर वर सिक्स यंग इन द मेडो बिसाइड्स मी देयर वर सिक्स यंग कॉल्स इन द मेडो बिसाइड्स मी मेरे अलावा मेडो में छः और यंग हॉर्सेज भी थे अच्छा बेबी हॉर्सेज का मैंने आपको बताया कि उनको पोनी कहते हैं जो यंग हॉर्सेज होते हैं मतलब जो अभी पूरे हॉर्सेज नहीं हुए होते तो उनको कॉल्ट्स कहा जाता है ठीक है क्या कहा जाता है कॉल्ट्स कहा जाता है देयर वर विक्स यंग कॉल्ड्स इन द मेडो मी मेरे अलावा सिक्स और यंग कॉल्ट थे जो वहाँ रहते थे वर ओल्डर देन आई वॉज वो मुझसे बड़े थे उम्र में मुझसे बड़े थे सम और नीरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस और उनमें से कुछ तो इतने बड़े थे जितने पूरे कंप्लीट हॉर्सेस होते हैं ठीक है ग्रोन अप हॉर्सेस मतलब जो कंप्लीट हॉर्सेस होते हैं उन उन जितने बड़े बड़े कॉल्स भी थे मेरे साथ ठीक है आई यूज टू रन विद देम And had great fun. I used to run with them and had great fun. मैं उनके साथ दौड़ता था और बड़े मजे करता था. We used to gallop all together round and round the field as hard as we could go. हम gallop, gallop जो होती है वो जब horses बहुत high हाँ speed में running करती हैं, तो उसको galloping कहते हैं. Let me show you a picture of galloping. Now look at this horse. It is galloping. Galloping. यहाँ पर आपको लग रहा होगा इट्स अ काइंड ऑफ जम्पिंग ठीक है इतनी स्पीड से वो भागते हैं कि काफ़ी मतलब आ, लगता है जैसे ऊंचाई को आ, मतलब थोड़ा ऊँचा होके जम्पिंग करते हुए कर, करते हैं जो नॉर्मल उनकी वॉक होती है जैसे नॉर्मल रनिंग होती है दैट इज़ ट्रॉट ठीक है ट्रॉटिंग ना दिस हॉर्स इज ट्रॉटिंग Trotting. You can see that this horse is trotting, and this one is this one is galloping. This one is galloping. तो जिसकी स्टोरी है वो आपको बता रहे हैं कि आई यूज टू रन विद देम मैं उनके साथ दौड़ता था एंड हैड ग्रेट फन और मज़े करता था इंजॉय करता था वी यूज टू गैलप ऑल टूगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड खेतों में गैलपिंग करते थे एज हार्ड एज वी कुड गो इतनी स्पीड के साथ जितनी स्पीड से हम कर सकते होते थे समटाइम्स वी हैड रादर वी हैड अ रादर रफ प्ले कभी कभार कुछ सख्त खेलने को मिलता है मतलब कोई मुश्किल खेलते थे कोई मुश्किल खेल खेलते थे एंड फॉर दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गैलप अच्छा मैंने इसको रफ प्ले क्यों कहा क्योंकि फॉर का यहाँ मतलब है बिकॉज फॉर का क्या मतलब है बिकॉज बिकॉज दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गैलप क्योंकि वो फिर कभी कभार काटते भी थे बाइट का मतलब दांतों से काटना ठीक है कभी एक दूसरे को काटते भी थे वैसे बाइट जो है वो डॉग सिर्फ बाइट करता है दूसरे आ, मतलब इंसानों को जब डॉग बाइट करता है या कोई और एनिमल जो है वो बाइट करता है हॉर्सेस के बारे में हमने ये नहीं सुना कि हॉर्सेस कभी किसी को बाइट करती होंगी ठीक है बट यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इनमें से कुछ हॉर्सेस थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे तो वो क्या करते थे दे वुड फ्रीक्वेंटली बाइट एंड किक एज वेल एज गैलप ठीक है और लाती भी मारते थे अच्छा आप बच्चे हो आप बच्चे जब बाहर खेलते हो आपने देखा होगा कुछ बच्चे बिला वजह दूसरों को तंग करते हुए खेलते हैं मतलब किसी को थप्पड़ लगाते हैं बीच बीच में कभी किसी को गिराने की कोशिश करते हैं आगे पाँव रख देते हैं ताकि दूसरा गिर जाए उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता कोई uh, कुछ भी नहीं मिल रहा होता लेकिन बस उनको दूसरों को तंग करके मज़ा आ रहा होता है तो ये हॉर्सेस में भी कुछ हॉर्सेज ऐसे थे जो कि बाइट भी करते थे और किक भी करते थे फ्रिकुनटली मीन्स मोर ऑफन मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा करते थे कुछ हॉर्सेज़ की आदत थी फ्रीकुंटली मतलब बार बार वन डे वन देयर वॉज़ अ गुड डील ऑफ किकिंग माई मदर वी नीड टू मी टू कम टू हर वन डे वन देयर वॉज अ गुड डील ऑफ किकिंग एक दिन जब किकिंग कुछ ज्यादा ही हो गई मतलब हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा किक कर रहे थे सो माई मदर वी नीड टू मी मेरी मदर ने मुझे बुला लिया वी नीड इज ये हॉर्स की साउंड होती है ठीक है हॉर्स जो नॉइस क्रिएट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड विनी ठीक है जो नॉर्मल साउंड होती है वो ने कहलाती है एन ई आई जी एच ने बट यहाँ पर ये यह जो इंटेंस साउंड होती है उसकी वो काइंड ऑफ नॉइज़ होता है ठीक है तो बुलाया उसको चिल्ला के जैसे शाउट करके बुलाते हैं वैसे माई मदर विनी टू मी टू कम टू हर मेरी मदर ने मुझे बुलाया कि इधरा देन शी सेड आई विश यू टू पे अटेंशन टू वट आई एम गोइंग टू से टू यू मैं चाहती हूँ कि मैं अभी जो बोलने वाली हूँ तुम तो उसको गौर से सुनो पे अटेंशन मतलब गौर करो तो दो ठीक है आई विश मैं चाहती हूँ यू टू पे अटेंशन टू वट आई एम गोइंग टू से जो मैं अभी कहने वाली हूँ उसको ग़ौर से सुनो द कॉल्स हुयर आर वेरी गुड कॉल्ड्स जो कॉल्ड्स यहाँ रहते हैं दे आर वेरी गुड कॉल्स बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉल्ड्स ठीक है ये जो हॉर्सेस हैं ये कार्ट हॉर्स वाले जो पीछे कोई गाड़ी खींचते हैं जैसे तांगे वाले होते हैं या फिर घोड़ा गाड़ी वाले होते हैं तो उसकी जो पीछे गाड़ी लगी होती है वुड से बनी हुई तो ये वो वाले हॉर्सेज हैं ठीक है एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्नड मैनर्स इन्होंने कोई तौर तरीके नहीं सीखे हुए ठीक है दर्स लिव हेयर आर वेरी गुड कॉल्स बट दे आर कार्ट हॉर्स कॉल्स एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स और जाहिर बात है कार्ट uh, कार्ट हॉर्सेज हैं ये तो ये लोग ज़्यादातर मैनर्स नहीं सीखते तरीके इखलाक नहीं सीखते ठीक है बिन वेल वेल ब्रेड एंड नस्ल के घोड़े हो और अच्छी जगह पैदा हुए हो योर फादर हैज़ ए ग्रेट नेम इन दीज तुम्हारे बाप तुम्हारे बाप का बहुत नाम है इन एरियाज में ठीक है तुम्हारे बाप यहाँ बहुत मशहूर थे उनकी काफ़ी इज्जत है इस एरिया में ठीक है ये वही बातें हैं जो कि हम नॉर्मली इंसान अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम तो हम तुम तो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तुम्हारे बाप का तो बड़ा नाम है यहाँ पर मतलब उनकी तो काफ़ी इज्जत है यहाँ पर और तुम ये काम कर रहे हो ठीक है तो यहाँ पर ये जो मदर हॉर्स है उसने बेबी हॉर्स को बुला के कहा कि यू हैव बिन यू हैव बिन वेल ब्रेड एंड वेल बॉन्ड तुम तो अच्छी नस्ल के हो और अच्छी जगह पैदा हुए हो ठीक है योर योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स इस तमाम जगहों पर तुम्हारे फादर का बहुत नाम है एंड योर ग्रैंड फादर the द कप टू at एट द न्यू मार्केट रेसेस तुम्हारे दादा ने दो साल न्यू मार्केट रेसेस जीती है और उन्होंने कप हासिल किया था ठीक है एंड योर ग्रैंड मदर हैड दवीटेस्ट टेम्पर ऑफ़ एनी हॉर्स आई एवर न्यू और तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी उनका जो मिजाज था वो सबसे बेहतरीन था ज़बरदस्त अखलाक था अभी तक मैंने जितने भी हॉर्सेस देखे हैं उन सब में सबसे ज़बरदस्त मिजाज वाले मिजाज वाला हॉर्स जो था वो आ, तुम्हारी ग्रैंड मदर थी ठीक है so, सो यहाँ पर पूरा एक लेक्चर स्टार्ट हुआ हुआ है मदर अपने बच्चे को समझा रही है कि तुम तो अच्छी नस्ल के हो तुम्हारे फ़ादर का काफ़ी नाम है तुम्हारे ग्रैंड फ़ादर जो है वो रेसिस जीत चुके हैं तुम्हारी मदर का मिजाज इतना ज़बरदस्त था कि हर कोई उसकी तारीफ करता है एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइक चलो तुमने ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर और फादर को नहीं देखा तो तुमने कम अज़ कम मुझे तो देखा है कभी मुझे तुमने किक करते हुए या बाइट करते हुए देखा है कभी मुझे देखा है कि मैंने किसी को लात मारी हो या मैंने किसी को काटा आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड एंड नेवर लर्न बैड वेज ठीक है and 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 मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बुरी बुरी आदतें नहीं सीखोगे वो लोग जो कर रहे हैं वो करते रहे लेकिन तुमने ये सब कुछ नहीं सीखना अच्छा ये जो है हर मदर अपने बच्चे से कहती है कि तो अगर बाहर बच्चे कोई गलत काम करते हैं तो तुम कम से कम ऐसा काम ना करना क्योंकि तुम तो अच्छे बच्चे हो ना तो यहाँ पर ये मदर भी अपने बेबी हॉर्स से कह रही है कि देखो वो सब जो हैं वो उन्होंने मैनर्स नहीं सीखे हुए लेकिन तुम तो अच्छे बच्चे हो ना तुम तो बुरी आदतें नहीं सीखोगे ना डू योर वर्क विद गुड विल लिफ्ट योर फीट अप वेल वन यू ट्रॉट एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले डू यू यूर वर्क विद गुड विल मतलब दिल लगा के अपना काम करो लिफ्ट योर फीट वेल वेन यू ट्रॉट जब ट्रॉटिंग कर रहे हो तो अपने पाँव सही तरीके से उठाया करो जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि पाँव घसीटा मत करो जब तुम लोग चलते हो तो इसी तरह इसको भी मैंने सिखा रही है कि जब तुम ट्रॉटिंग कर रहे हो तो उस वक्त तुम अपने पाँव सही तरीके से उठाया कर ठीक है एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले किसी को कभी बाइट नहीं करना कभी लात नहीं मारनी, चाहे तुम खेल क्यों नहीं आ रहे हो ऐसा नहीं कहना कि मामा मैं तो मजाक कर रहा था ठीक है मजाक में भी नहीं करना खेल में भी किसी को लात नहीं मारनी, और किसी को खेल में भी बाइट नहीं करना काटना नहीं ठीक है थीके? आई हैव never forgotten my माई advice. एडवाइस मैं कभी अपनी मदर की एडवाइस को नहीं भूला आई हैव never forgotten my माई मदर्स एडवाइस कभी अपनी माँ की नसीहत को नहीं भूला आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स एंड our मास्टर थाट अ ग्रेट डील ऑफ हर मुझे पता था कि वो इंतहाई इंतहाईलमंद थी तो इसीलिए हमारा जो मास्टर था वो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था ठीक है अच्छा एक तो नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे माँ बाप को ही आइडियलाइज़ करते हैं कि माँ बाप हमारे ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे आपको उससे पहले की जो स्टोरी थी वुडन बाउल में भी बताया था कि माँ बाप ने जब देखा कि रोज़ाना बर्तन टूट रहे हैं इससे हमारा बड़ा ख़र्चा होगा बार बार बर्तन खरीदने से तो अच्छा है कि एक ही दफ़ा वुडन बाउल ख़रीद लिया जाए तो बच्चे ने भी फिर वही सोचा कि जब ये मेरे माँ बाप भी, भी बूढ़े होंगे तो जाहिर बात है ये भी मेरा बड़ा ख़र्चा करेंगे तो ऐसा करता हूँ कि मैं भी वुडन बाउल अभी से ख़रीद लेता हूँ ताकि मेरा एक भी प्लेट ना टूटे तो बच्चे जो होते हैं वो हमेशा पेरेंट्स को आइडियलाइज करते हैं यहाँ पर इसने मदर को आइडियलाइज किया अगर मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं ऐसा करता था तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली वैसा करता है ठीक है या उसके सामने जो अभी आ, फादर है वो जो जो करता है वैसा ही बच्चा करता है और ये मैंने वाकई देखा भी हुआ है ठीक है और आप लोगों ने भी ये बात नोटिस की होगी ठीक है सो आई न्यू शी वॉज़ अ वाइज ओल्ड हॉर्स ठीक है मुझे पता था कि वो अक्लमंद और इंटेलिजेंट हॉर्स थी एंड अव मास्टर थाट था ग्रेट डील ऑफ हर हर नेम वॉज डचेस अब यहाँ इसने मदर का नेम बताया ठीक है कि मेरी माँ का नाम डचेस था हर नेम वॉज डचेस बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट ठीक है नाम मेरी माँ का डचेस था लेकिन जो मास्टर था वो उसे पेट बुलाता था ठीक है अच्छा जो डचेस होती है उसका मतलब ये है कि डचेस जो होती है वो ड्यूक की वाइफ को कहते हैं ड्यूक नवाब को कहते हैं और नवाब की बीवी भी नवाबा होती है तो डचेस जैसे हम कुछ चीज़ों के नाम रख देते हैं शहजादा या शहज़ादी या इस तरह तो इस जो हॉर्स है इसकी जो मदर हॉर्स है उसका नाम डचेस था ठीक है तो डचेस जो है वो वाइफ ऑफ ड्यूक को कहते हैं ड्यूक की बीवी को कहते हैं ठीक है नवाब की बीवी को कहते हैं सो so, आज के लिए इतना काफ़ी आज मैं आपको इसमें फिर से कुछ वर्ड्स ढूंढने का कह रही हूँ आपका जो आज का होमवर्क है इसमें आपने आज हमने जितना पढ़ा उसमें आपने वर्ब्स ढूंढने ठीक है और जितने ज़्यादा वर्ब्स आप इसमें ढूंढ सकते हैं ढूंढे लेकिन मैं लिमिट रखती हूँ फिफ्टीन वर्ब्स आपने आज इसमें ढूँढने क्योंकि आज हमने अच्छा खासा सबक पढ़ा है इसमें स्टोरी में से हमने काफ़ी पार्ट आज पढ़ा है तो आप इसमें से कोशिश करें कि फिफ्टीन वर्ब्स फाइंड आउट कर लें सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे आई होप यू लर्न टॉयड विश यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما